नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के बीच फिर से एक नया वीडियो लेके उपस्थित हूँ। ये 3 वायर वाला सीलिंग फ़ैन है, इसके बारे में आज जानेंगे कि 3 वायर का कनेक्शन कैसे होता है, कैसे चेक करते हैं और कैसे कैपेसिटर इस पे लगाएंगे मल्टीमीटर के सहायता से चेक करके। आज ओनली मल्टीमीटर यूज होगा इस पे वीडियो पे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मल्टीमीटर ले लेंगे हम। मल्टीमीटर लेने के बाद इसको हम ओम पे सेट कर देंगे, 200 ओम पे। जैसे आप देख सकते हो, इसको ओम पे सेट करेंगे, दे देंगे 200 ओम पे। ओम पे सेट करने के बाद अब हम इस पे चेक करेंगे, किसी के साथ कुछ रेजिस्टेंस तो शो नहीं कर रहा है। आर पे देख लिया, वाई पे चेक कर लिया, ब्लैक पे चेक कर लिया, नहीं। ठीक है, अब इसका कंटिन्यूटी चेक करेंगे हम, ब्लैक और रेड में कंटिन्यूटी कितनी आ रही है। तो देख सकते हैं दोस्त, 261 यानी 261 दिखा रहा है। रेड और येलो में चेक करते हैं, इसका सेम नहीं आना चाहिए, डिफरेंट आना चाहिए। 198 तीन वाले वायर में डिफरेंट आना चाहिए, 4 वाले में सेम आता है कुछ, और 3 वाले वायर में डिफरेंट होना चाहिए तीनों का कंटिन्यूटी तीनों पे। और देखिए ब्लैक और येलो में 454-55 आ रहा है। तो इसमें कैसे पता चल करेंगे कि कॉमन वायर कौन सा है और कैपेसिटर वाली वायर कौन सी है? तो इसके लिए आपको कंटिन्यूटी तो चेक कर लिया, तो इसके लिए आपको एक पेन कागज लेना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि कितना आ रहा है, क्या आ रहा है, इस पर लिखना पड़ेगा आपको। तो मैंने एक डायरी ले ली है, डायरी पे देखते हैं इसको लिखने के लिए। इस पर लिख लेते हैं, फैन कंटिन्यूटी। तो हमारे पास कौन कौन सा वायर है? रेड वायर है, ठीक है, येलो है और ब्लैक है, भी लिख देते हैं चल जाएगा, ब्लैक है। अब हम चेक करेंगे आर और वाई, वाई बी और बी आर, इस पर कंटिन्यूटी कितना है, ठीक है, क्योंकि आपको तीनों वायर करनी पड़ेगी। तो हम आर और वाई कंटिन्यूटी ले लेते हैं कितना है। इस पे आ रहा है 198, तो हम इस पे लिख देंगे आर वाई पे 198, ठीक है। फिर हम वाई और बी को ले लेंगे, यानी वाई येलो और ब्लैक को, इस पे कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे, तो इस पे 458। तो इसका वाई और बी का जो आ रहा है, यानी येलो ब्लैक का, 458 आ रहा है, ठीक है जी। अब हमारा रह गया कौन सा, ब्लैक रह गया और रेड रह गया, इसका आ रहा है 261, ब्लैक और रेड का आ रहा है 261। तो इसमें सिंपल सी चीज है, कुछ भी नहीं करना, जिस पे आपका ज्यादा आ रहा है, ठीक है, कंटिन्यूटी किस पे आ रहा है, वाई और बी पे ज्यादा कंटिन्यूटी आ रहा है, 458 आ रहा है, तो वाई बी पे आप क्या करेंगे, ये और वाई और बी पे, ये येलो और ब्लैक पे सिंपली सी आप कंडेंसर लगा देंगे, ठीक है। सिंपल सा कनेक्शन आप क्या कहते हैं इस पे, दोनों पे लगा के छोड़ देता हूं मैं, ये लीजिए, ठीक है। तो आपके पास अब बचा क्या, आपके पास बचा बस रेड वाली वायर। तो सीधी सी बात है, जिसपे आपकी कंटिन्यूटी ज्यादा आती है, उन दोनों पे आप कैपेसिटर का दोनों वायर जाके लगा देंगे, तो आपके पास जो बचेगा वो आपका कॉमन हो जाएगा। तो यानी आपका रेड वायर जो हो गया वो कॉमन हो गया,
रेड क्या हो गया, कॉमन हो गया। अब इस पे क्या कर सकते हैं, लाइन यानी सप्लाई दे सकते हैं, ठीक है जी। आप इस पे सप्लाई दे सकते हैं और इस पे आपने सप्लाई दे दिया और इन दोनों में से किसी पे भी आप एक न्यूट्रल का वायर लगा सकते हैं। अगर पंखा इस पे लगाएंगे, अगर पंखा सीधा घूम रहा है तो ठीक है, अगर नहीं उल्टा घूम रहा है तो इसी न्यूट्रल वाले वायर को इस पे लगा देंगे, पंखा आपका सीधा हो जाएगा, या इस पे नहीं तो इस पे आपका सीधा हो जाएगा। तो इस प्रकार से कंटिन्यूटी चेक करते हैं, तो आपका कॉमन वायर निकल गया। अगर आप इसी बेस पे आप चाहते हैं कि न्यूट्रल वाले वायर हमारा कौन सा है, मतलब हम सीधा हमें उसी पे हम डायरेक्ट कनेक्शन दे देंगे फेस न्यूट्रल कंटिन्यूटी के ही हिसाब से, तो इसमें भी कोई डॉट नहीं है। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि जैसे आपका आपने इसमें ये देख लेंगे कि आपका क्या कहते हैं सब मतलब सबसे ज्यादा तो जो हो गया वो वाला उस पर कैपेसिटर दोनों वायर पे लगा देंगे, यानी वायर बी पे कैपेसिटर लगा देंगे, ठीक है। अब आपका क्या कहते हैं न्यूट्रल आपको किस पे देना है, तो ब्लैक और रेड को देख लेंगे जिसपे उसके बाद की कंटिन्यूटी है, उसके बाद की कंटिन्यूटी है। तो 458 से नीचे कौन सा है, 261 से कम कौन सा है, 198, तो 458 से कम कौन सा है, 261, तो 261 पे हम न्यूट्रल दे देंगे। न्यूट्रल देने का मतलब ये है कि इस पे तो दो वायर है, आप कैसे कहोगे कि हम इस दोनों पे कौन से वाले पे देंगे। तो रेड तो आपका पहले से ऑलरेडी कॉमन हो गया, रेड आपका पहले से ही कॉमन हो गया, तो इसमें कौन सा बचा वायर, ब्लैक वाला वायर बचा, ब्लैक वाले वायर पे आप क्या करेंगे तो न्यूट्रल दे देंगे। तो आप न्यूट्रल दे देंगे तो आपका पंखा घूमने लगेगा, चलने लगेगा, मतलब सीधा ही चलेगा, उल्टा तो चलेगा नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कनेक्शन कर सकते हैं और इस प्रकार से आसान तरीके से आप मल्टीमीटर के हिसाब से आप किसी भी फैन का कंटिन्यूटी निकाल के कनेक्शन कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा जरूर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।